जो नए लोग आना चाहेंगे आज़ाद वीज़ा पे, तो उन्हें कैसे मिले आज़ाद वीज़ा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अरशद फॉर यू पे। और अभी जो ये भाई यहाँ पे आज़ाद वीज़ा पे काम करते हैं कतर के अंदर, तो जानेंगे इन्होंने आज़ाद वीज़ा कैसे हासिल किया और कितना कॉस्ट लगा इनको आज़ाद वीज़ा पे। तो सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। सत श्रीकाल सारे, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिक्की है, मैं पंजाब से हूँ, इंडिया से। और भाई आज मिले थे मुझे इधर ही, हम कब काम कर रहे थे इधर, तो उन्होंने पूछा भी आज़ाद वीज़ा का कैसे रहेगा। तो कोई बात नहीं, अब ये जो भी पूछेंगे मैं इसका आंसर दूंगा। आज़ाद वीज़ा कैसे हासिल किया पंजाब से, कितना कॉस्ट लगा, जो नए लोग आना चाहेंगे आज़ाद वीज़ा पे, तो उन्हें कैसे मिले आज़ाद वीज़ा? आज़ाद वीज़ा से रिलेटेड कुछ बता दें। आज़ाद वीज़ा सिंपल मिल जाता है, सिंपली मिल जाता है। इसमें क्या रहता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं रेट में। जैसे कई बार अभी आज़ाद वीज़ा प्राइस कम है, क्योंकि जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप के कारण अभी इधर प्राइस कम है। जब मैं आया था तब प्राइस इसका ज़्यादा था, तब उस टाइम 11,000 रियाल का वीज़ा था। लेकिन जैसे अभी फ्री वीज़ा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फ्री वीज़ा में आप जब भी जाओ आपको मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है फ्री वीज़ा में। लेकिन ये अभी इस टाइम थोड़ा सा काम करने में मुश्किल आ रहा है, क्योंकि इस टाइम फीफा वर्ल्ड कप के कारण काम तो आपको पता है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन काम जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा फिर से फ्री वीज़ा अच्छा मिलेगा सभी को। हाँ जी, तो आपका कितना कॉस्ट लगा था आज़ाद वीज़ा? कॉस्ट मेरा तो लग गया था 2,40,000 इंडियन मनी 2,40,000 पंजाब से ही हासिल किया। पंजाब से हासिल किया था, मेरा मतलब रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे दिया था 2,40,000 का। और सुनते हैं पंजाब में जिन लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करता है वीज़ा के, तो इस बारे में कुछ बोलेंगे? काफ़ी लोग ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि मतलब इसमें आपको जो वीज़ा होता है ना, इधर से प्रोवाइड होता है। अगर कोई पंजाब में बोले मैं इधर से दूंगा आपको फ्री वीज़ा, वो ऐसे नहीं है। आपको इधर से प्रोवाइड होगा वीज़ा, इधर से सब कुछ मिलेगा। अगर आपका इधर कोई रिलेटिव है तो वो आपको अच्छा रहेगा वीज़ा लेने में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल थोड़ा सा एजेंट फ्रॉड भी कर सकता है। हाँ, आज़ाद वीज़ा लेने में क्या बेनिफिट है कतर के अंदर काम करने में? आज़ाद वीज़ा लेने में बेनिफिट है, जैसे आजकल कभी जैसे हमारे पंजाबी हैं जो सारे ड्राइवर का वीज़ा लेते हैं, ड्राइवर का वीज़ा है, इसमें आप ट्रेलर का लाइसेंस बना सकते हो, जिसको हम पंजाब में ट्रक बोलते हैं, ट्राला टाइप। और फ्री वीज़ा भी आप कोई भी काम कर सकते हो इधर आके, लेकिन उसके लिए आपको NOC वगैरह लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो आज़ाद वीज़ा का रिन्यूअल करने टाइम आपको कितना देना पड़ता है? उसका हर कंपनी का अलग अलग से होता है, लेकिन 3,000 से 3,500 तक रियाल आपको ID का लगेगा, एक साल का। हाँ जी, और कुछ बताएंगे आपका यहाँ कतर लाइफ कैसा चल रहा है आज़ाद वीज़ा के ऊपर? अभी तो फुल मस्ती है, आप इस व्यू दिखा सकते हो सभी को, ये जो जहाँ पर हम अभी इस टाइम है, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाओ, सभी को बता देते हैं। जी ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है कतर देश, देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ग्रीस में हूँ। ये न्यू प्लेस बना है, काफ़ी खूबसूरत देश है ये। फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो इधर है अभी, काफ़ी बहुत सारा इन्होंने डेवलपमेंट किया है, लेकिन आगे भी इधर और भी मतलब इन्होंने आगे का भी बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट लिया, अभी और भी बनेगा कतर। अभी 30% कतर सिर्फ बना है, अभी और भी कतर में इतना खूबसूरत हो चुका है। 30% में आप देखो अभी बहुत सारा कुछ बनेगा इधर। तो आज़ाद वीज़ा में एक ये भी फायदा होता है ना कि एक जगह काम पसंद ना आया, दूसरी जगह भी ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर जी देखो, अगर हम लेकिन वैसे वो तो ठीक है, काम तो मिल जाता है, लेकिन मोस्टली जो क्या होता है कि अगर आपको काम नहीं पसंद आता तो आप मतलब चेंज कर सकते हो काम, लेकिन उसमें क्या रहेगा, 6 महीने का आपका टाइम रहेगा, क्योंकि वो 6 महीने का चेंज मिलता है कंपनी से। और इसका एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने गांव जब दिल करे जा सकते हो। ये बहुत अच्छा बेनिफिट आज़ाद वीज़ा के ऊपर, किसी का दबाव नहीं रहता है, किसी का दबाव नहीं रहेगा इसी पे, आप जब भी जी जाओ आप जा सकते हो अपने मुल्क में। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने मुझे बताया आज़ाद वीज़ा से रिलेटेड। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय। सत श्री अकाल सर।